जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारायणगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है। अब अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है फिर भी कहेगा कि x का मान निकालो, इसका क्या मतलब है? मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ न कुछ देने रहेगा, दोनों बिंदुओं में से कुछ अब्सेंट भी रहेगा। जैसे यहीं पर देखो, एगो x है माइनस वन और थ्री टू, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमसे पूछा जाए, जैसे मान लो ये वाला P है और ये वाला Q है, तो हम PQ बराबर एक फार्मूला जानते हैं। जानते हो तो रखो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप रखो ना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो। मतलब जैसे x है ना, तो x रखो और उसमें से घटा दो इसका x नियामक तीन, और घटा के होल स्क्वायर प्लस ये माइनस वन है ना, अरे वाला दो घटेगा तो माइनस टू के होल स्क्वायर। जबकि इन दोनों के बीच की दूरी पहले से मालूम है, पी क्यू दे ले कितना पाँच। अब एक चीज़ ध्यान देना, रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, या तो इस माइनस थ्री के होल स्क्वायर और ये से भी माइनस एक माइनस दो मतलब माइनस तीन के होल स्क्वायर ना। देखो यहाँ दो तरीका, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या तो अगर आप एट क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें सिखाया जाता है कि जो इधर रूट है बराबर किस तरफ आके पाँच के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच गया एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर प्लस में नौ। अब ज़रा ध्यान दीजिए, पच्चीस है जिसमें से नौ घट जाएगा, इधर बचेगा क्या एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर, यानी पच्चीस में से अगर नौ घट भी गया तो सोलह एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर बराबर सोलह। अब थोड़ा हो गया प्रॉब्लम जगह रहे ना, कोई बात नहीं, इधर देखो आप ऐसे लिख दो एक्स माइनस थ्री और इधर जो स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, तो सोलह के रूट अगर निकालोगे तो प्लस माइनस फोर, यानी एक्स के वैल्यू प्लस माइनस फोर में तीन जोड़ दो, यानी कि एक्स का मान कितना होगा, तो एक बार तो सात हो जाएगा या माइनस फोर कंसिडर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। मतलब इसका आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सात भी और माइनस एक भी। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा को देख ले उसी तरह से। जैसे कि मान लो पी है और इधर मान लो क्यू है, तो पी क्यू का फॉर्मूला विदाउट फार्मूले के पुट कर दो, एक्स में से घटा दो कितना तीन, एक्स माइनस तीन के होल स्क्वायर और उसके बाद पाँच में से तीन घटा दो, पाँच में से तीन घटा के होल स्क्वायर। पी से क्यू तक का डिस्टेंस उदिए हुए है कि आठ है, तो आठ रख दो, इधर देखते एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर, और ऐसे भी पाँच में से तीन गया तो दो, दो के होल स्क्वायर चार हो जाएगा। देखो जो इधर रूट है इन्हें भेज दो तो आठ के स्क्वायर चौंसठ, इधर बच गया एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर प्लस फोर, यानी एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, इधर आके घटा दो साठ, यानी एक्स माइनस थ्री बराबर साठ के रूट, साठ के रूट निकालो कितना आएगा, तो हम बताते हैं साठ पंद्रह चके साठ मतलब दो और रूट अंडर पंद्रह, इधर तो खैर है ये एक्स माइनस थ्री ई प्लस माइनस, इसलिए एक्स बराबर जो आंसर होगा वो दो रूट पंद्रह प्लस थ्री, या तो ये भी हो सकता है एक्स बराबर कि माइनस में दो रूट पंद्रह और प्लस तीन, तो आंसर ये भी सही है ये भी सही है, कहीं गलत बीच में नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा। तो पहला दूसरा तो हो गया, अब तीसरा चौथा थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले पाँचवा देख लेते हैं। इसको देखिए, इसको P मान लो और इसको Q मान लो, तो पी क्यू बराबर फॉर्मूला सात में से पाँच घटा दो, सात अच्छा माइनस से पाँच में से सात घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ सो सही हुआ। अब एक्स में से ये चार घटे वो करेंगे ना, तो प्लस चार के होल स्क्वायर, हालांकि इन दोनों के बीच की दूरी वो इसमें दे ले कि कितना है तेरह, तो तेरह रख दिए, इधर देखते हैं पाँच और सात बारह, बारह के स्क्वायर एक सौ चौवालीस, इधर हो गया एक्स प्लस फोर के होल स्क्वायर। ध्यान देना जो इधर रूट है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तेरह के होल स्क्वायर, इधर बच गया एक सौ चौवालीस, यहाँ हो गया एक्स प्लस फोर के होल स्क्वायर, तेरह के स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन माइनस में वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर के
होल स्क्वायर 164 में से 144 अगर घटा भी देते हैं तो बचेगा 25, घटा कर देख लेना। इधर एक्स प्लस 4 के जो होल स्क्वायर है इधर रूट अंडर कर दो तो 25 के रूट हो गया प्लस माइनस 5 यानी एक्स प्लस 4, एक्स का वैल्यू हो जाएगा देखो प्लस 5, इसके साथ 4 घटा दो, या तो ये भी हो सकता है कि माइनस 5 फिर 4 घटा दो, तो आंसर या तो 1 होगा या तो माइनस 9 होगा, मतलब एक्स बराबर या तो आंसर 1 होगा या तो एक्स बराबर आंसर माइनस 9 होगा, और दोनों सही है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहला सही है दूसरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों सही है, तो पहला दूसरा तो हो गया, पांचवा भी हो गया। अब चला क्वेश्चन नंबर चौथा पर आते हैं, तीसरा पे बाद में जाएंगे, पहले चौथे पे देखते हैं किधर सब जगह मिल जाएगा ना खाली जगह, इसलिए चौथा नंबर, चौथा भी वैसा ही है लेकिन फिर भी मेरा तो काम है बताना। इसको मान लो P है और इसको मान लो Q है, हम इतना सारा क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं जैसे सेम टाइप से 5 क्वेश्चन बताने का पर्पस क्या है, आप चाहते क्या है एक एक क्वेश्चन में बार बार पढ़ाना, नहीं यार वो नहीं चाहते, हम आपको सिखाना चाहते हैं इसलिए एक क्वेश्चन एक टाइप से पंजे को क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे पी क्यू अंडर रूट पी क्यू फाइंड करना, तो 2 में से 10 घटा, देखो 2 में से 10 घटा दो चाहे 10 में से 2 घटा दो कोनो फर्क नहीं पड़ता, 10 में से 2 घटा के होल स्क्वायर प्लस एक्स में से 3 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा कि होल स्क्वायर, हालांकि पी क्यू दिए हुए कितना 10, इधर हो गया रूट अंडर 10 में से 2 गया तो 8, 8 के होल स्क्वायर 64, इधर हो गया एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए इधर जो रूट है बराबर किस तरफ आके 10 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचा कितना तो होल स्क्वायर तो 64 और प्लस में एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर, इधर लिखते हैं देखिए 10 के होल स्क्वायर 100 उसमें से 64 जाएगा घट तो उधर बचा क्या एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब 10 मतलब 100 में से 64 घटा भी दोगे तो 36 इधर बचेगा एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर, अच्छा ठीक है तो एक्स प्लस 3 बराबर जरा बताइए स्क्वायर इधर आके रूट अंडर 36 और 36 के रूट होता है प्लस माइनस 6 यानी एक्स बराबर अगर प्लस 6 जोड़ते हैं उसमें 3 घटा दो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक्स बराबर माइनस 6 तो भी 3 घटेगा, तो एक्स बराबर या तो आंसर 3 होगा या तो एक्स बराबर आंसर माइनस 9 होगा, और आंसर दोनों सही है, हम ऐसा कहते हैं दोनों आंसर और दोनों ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं कि तीसरा क्या है, देखिए अगर टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे ना तो चैप्टर भी कंप्लीट होगा और चैप्टर कमांड भी होगा, सिलेबस भी कंप्लीट होगा और सिलेबस कमांड भी होगा, लेकिन अगर धक्की से सिर्फ एक घंटा मान के पढ़ोगे तो घंटा नहीं कमांड होने वाला है, ये बात याद रखना कि घंटा पढ़ने से घंटा को कमांड नहीं करने वाले हैं आप, सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं आप, ये थोड़ा है कि चलो भाई एक घंटे पढ़ लिए दो घंटे, एक घंटे नहीं पढ़ लिए और दो घंटे की पढ़ाई हमने कर ली कि 1 आवर 2 आवर्स, हम आवर्स यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, हम सिलेबस कंप्लीट करने आए, तो टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे तो ज़्यादा माइंड में सेट रहेगा, ऐसे समझ में आपको आ जाता है, अगर हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में पढ़ाते हैं समझ में आ गया हाँ हाँ समझ में आ गया सर, लेकिन फिर 10 दिन के बाद वही हिसाब जब पूछते हैं हम या वही क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो जवाब नहीं आता, क्यों नहीं आता क्योंकि हौच पौच हो जाता है, लेकिन अगर टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे तो लंबे समय तक वो याद रहेगा, अच्छे दिनों तक याद रहेगा, और अगर समझ गए तो समझ में भी दिमाग में फिट रहेगा, कहते हैं समझा हुआ चीज़ नहीं भूलते हैं, गलत कहा जाता, अगर ऐसा बात होता तो हर घर में इंजीनियर होता और हर घर में साइंटिस्ट होता, ऐसा बात नहीं, हम लोग समझने वक्त समझ तो जाते हैं लेकिन घर आते आते मात्र उसका 50% भी दिमाग में नहीं रहता है, कभी कभी मात्र 10% रहता है, अगर दोबारा रिवीजन करोगे तो 10% और बैठेगा, अगर कल होके आप क्लास जा रहे हैं और सुना देते हैं 10% और दिमाग में अट गया, कभी और याद कर लिए 10% और, मतलब जितना बार रिवीजन करते हैं उतने बार दिमाग में समझ में आता, आप कितनों अच्छा से समझ जाइए, देखिए एकाध चीज़ आदमी अच्छा से समझ सकता है, एकाध चीज़ कहा जाता है कि हर दिन में आप कोई छोटा चीज़ समझ सकते हैं पर डे,
लेकिन दिन भर आप हर चीज़ समझने पर ध्यान दीजिए कि हम हर चीज़ में समझेंगे, पागल हो जाओगे यार। हम हर चीज़ समझ समझ के याद रखेंगे और मरते दम तक याद, कितना याद रखोगे, पॉसिबल थोड़ू है। ये सब कहने की बात ही और सुनने की बात है। और अगर ऐसा होता तो हम 1 करोड़ स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाते और सबको समझा देते, ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे पहली बात है कि कुछ लोग तो ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान देते भी हैं तो थोड़ा सा माइंड भी पे असर पड़ता है। सबका IQ लेवल एक जैसा होता नहीं, तो किसी लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है, उसी टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हम भी कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। एक टाइप क्वेश्चन 2-3 बार आपको बना देते हैं, 3-4 बार बता देते हैं। देखिए यही कहना मेरा भी है, जैसे ये वाला P है और ये वाला Q है, आप 2-3 बार बना लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। PQ बराबर फॉर्मूला बोलो, EX में से 3 घटा दो, X में से 3 घटा के होल स्क्वायर, और 2 में से 4 घटा के होल स्क्वायर। देखो 2 में से 4 घटाए चाहे 4 में से 2 घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि P से Q तक के बीच की दूरी दिए हुए हैं 8, इधर के बारे में सोचो, X-3 के होल स्क्वायर, और 2 में से अगर 4 घट भी गया तो -2, लेकिन होल स्क्वायर करने पे तो फिर से वो 4 हो जाएगा। इधर वाला रूट इधर आके 8 के स्क्वायर 64, इधर बच गया X-3 के, इससे क्यों लग रहा है कि बतावल है। खैर X-3 के होल स्क्वायर, 4 को इधर भेज दो 60 हो जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है कि बतावल है। X-3 बतावल है यार, √60, यही सब बस है। पहले भी था X-3 बराबर 60 को तोड़ोगे तो 15 × 60, 60 मतलब 4√15, वो भी प्लस माइनस में, यानी X बराबर +-4√15 और प्लस में 3, यही आंसर होगा। एक बार प्लस वाला कंसीडर कर लो, एक बार माइनस वाला। तो 5 क्वेश्चन था, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन पे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी बोले ना कि हम यही करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बता देते हैं, और ढेर सारा क्वेश्चन बताना से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना होता है, मल्टीपल टाइम, तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मल्टीपल मतलब एक से अधिक बार, 4 बार 5 बार रिवीजन कीजिए तो समझ में भी रहेगा, दिमाग में फिट होल कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बनाना होता है। तो आज यहीं तक, जाते जाते आपसे नम्र निवेदन है कि क्लास को शेयर कर देना भाई 1-2 लोगों को, हो सके तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी फिर इसी तरह से आप क्लास में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो पहले से कह ले हो तो अच्छा है, जो नए हैं उनके लिए बात होता है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।